सो गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ परविंदर एंड आई वेलकम यू टू माई एन पी ग्रुप अ यूट्यूब चैनल। सो बात करते हैं कोविन, जो कि एक सॉफ्टवेयर है इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो वो अब ग्लोबली होने जा रहा है, तो उसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो उससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे चैनल पर आपको एवरीडे जो है द इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस मिलते हैं। सो किसी अगर प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाए, तो आप मेरे चैनल पे जाके सीधा एनालिसिस ले सकते हैं उसका। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, सो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो है, जो अभी न्यूज़ आ रही है उसमें जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये उनका ट्विटर है जिसमें लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन कंसिडर होल वर्ल्ड एज अ फैमिली। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है पूरी दुनिया को एज अ फैमिली कंसिडर करता है, और पेंडेमिक के दौरान हमें अपने जो है फंडामेंटल ट्रूथ को जो है उन्होंने अपने जाना है उसको, इसलिए जो है हम अपनी टेक्नोलॉजी जो कि एक कोविन प्लेटफॉर्म है, कोविन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म है, उसको हम थ्रू आउट द वर्ल्ड शेयर करेंगे, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ओपन होगा। तो उन्होंने इसे ओपन कर दिया है। तो अगर मंडे को ये बात कही गई है कि जो है कोविन ऐप ऐप या सॉफ्टवेयर है उसको थ्रू आउट द ग्लोबली जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा सभी कंट्रीज़ में। तो इसमें जो कंट्रीज़ अवेलेबल जिनके पास ये रहेगा, उसमें 50 कंट्रीज़ ने जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाया अपना, जिसमें कनाडा, मेक्सिको, नाइजेरिया, पनामा, युगांडा, तो मैक्सिमम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कनाडा आपको पता है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, तो इसमें जो है वो वैक्सीनेशन करना चाहते हैं अब। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हेल्थ के द्वारा जो है प्रोग्राम चलाया गया था, अब ये थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर ग्लोबली जो है अवेलेबल रहेगा और ये फ्री रहेगा। सुसाइड जस्ट इतना सा इसमें न्यूज़ प्रिंट था। होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।